बीपी कभी भी खड़ा करके नहीं मापते हैं, क्योंकि खड़ा करने के बाद में क्या होता है, आदमी का बीपी ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि बॉडी का सारा फंक्शन ऑन होता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ बीपी मेजरमेंट के बारे में, हम लोग बीपी कैसे मेजरमेंट करते हैं और क्या क्या मापने के लिए जरूरत इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगा। देखिए, ये हमारे पास में है एक बीपी मशीन, जिसको हम लोग स्थिग्मो मैनोमीटर कहेंगे, नॉर्मल वर्ड में इसको बीपी मशीन ही कहते हैं। और ये एक स्टेथोस्कोप है, इसका मेन काम क्या होता है, जब हम पेशेंट को ये लगाएंगे, इसको बोलते हैं बीपी कफ, जो आर्म में लगाते हैं, जो साउंड जो बनेगा उस साउंड को हम इसके थ्रू फिल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कल्टेशन, हार्ट का धड़कन बोलते हैं उसको। तो हम लोग बीपी इसे स्टेथोस्कोप से हार्ट की बीट को फिल करते हैं और सुनते हैं कितना पर स्टार्ट हुआ, कितना पर जाकर खत्म हुआ, उसी को बीपी हम लोग मानते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का होता है 120/80, 120/80 mmHg मिलीमीटर पारा, ठीक है। अगर बीपी हमारा 140 से ऊपर जाता है तो इसको हाइपरटेंशन, और 100 से नीचे आता है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। बीपी मापने में दो बातें आता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है हायर प्रेशर ऑफ द ब्लड, और डायस्टोलिक का मतलब होता है लोअर प्रेशर ऑफ द ब्लड। बीपी क्या होता है, तो बीपी का मतलब हुआ ब्लड का प्रेशर ऑन द आर्टेरियल वॉल, जो ब्लड का प्रेशर हमारा आर्टरी के वॉल पर लगता है तो इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और यह प्रेशर जो होता है हमारे आर्टरी में, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अधिक होता है, जिसको सिस्टोलिक बोलेंगे, जब हार्ट डायस्टोल करता है यानी रिलैक्स करता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। नॉर्मल 120/80 mmHg होता है। तो आज हम दिखाएंगे बीपी चेक करके, ये हमारे पास में एक है जिनको बीपी चेक करना है। तो देखिए, ये हमारे पास स्थिग्मो मैनोमीटर, इसका अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें केबल लगा होता है, ये केबल है, और यहां पर ये पूरा पारा होता है इसका, इसके अंदर में पारा भरा होता है, और यहां पर मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी 0 से लेकर 300 तक होता है मेजरमेंट, इतना के ही बीच में आपका बीपी अप डाउन करता है। यहां जो लगा हुआ जो की, ये क्या है, ये ऑन ऑफ करने का होता है, ये अगर इधर नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो ऑफ होगा, अभी हमारा मशीन ये ऑफ है। अब देखिए, ये जो हो गया बैलून हो गया, और ये बैलून की हो गया, ये की को क्या करते हैं, जब एयर भरना होता है इसको टाइट कर देंगे, और जब इसको एयर लूज कर, इसको लूज करेंगे तो क्या होगा, एयर नीचे खत्म होगा इसमें और पावर डाउन होने लगेगा। तो ये हो गया आपका, ये आर्म कफ है, या तो बीपी कफ भी कहते हैं, जो आर्म में लपेटेंगे होता है। अगर इसमें ओपनिंग दिख रहा हो तो ऑफ रहेगा, और ओपनिंग अगर नहीं दिख रहा हो तो ऑन होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बीपी कैसे चेक करेंगे। देखिए, इनका क्या होगा कि ये कफ है, जैसे कि यहां पर जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट से दो उंगली या फिर 1 इंच ऊपर इसको हम लोग लपेटेंगे, ये बीपी कफ है। और इस बीपी कफ को हम लोग, ये जो दोनों वायर गया हुआ है, इस वायर को सामने की ओर रखेंगे, और इस ज्वाइंट से, यहाँ जो ज्वाइंट होता है, इसे 2 उंगली ऊपर की ओर रखेंगे। इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से हम ये लगाने का जगह बच जाएगा, ये जो है ना डायफ्राम, ये प्रॉपर तरीके से वहां लगा सकेंगे हम। तो आइए हम लगा के दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसको आगे रखेंगे और यहाँ से इसको टाइटली अंदर की ओर से बांध देंगे, यहाँ से टाइटली बांधेंगे, इससे ये बंधा गया। अब आगे देखिए, यहाँ इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे और यहाँ से प्रेशर देंगे। देखिए, यहाँ पर हम ना इसको की को बंद करेंगे, इस की को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसको दबाएंगे, ऐसे पुश करेंगे। तो देखिए, यहाँ तो अभी ऑफ है, तो ऑफ है तो पारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, पारा इसका ऊपर बढ़ने लगेगा। देखिए, यहाँ पर जैसे दबाएंगे पारा, देखिएगा आप, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसको मैक्सिमम 200 तक लेके जाना है, जैसे कि हमने 200 तक लेके गया, और लॉन्ग टाइम तक नहीं करना है बीपी मशीन को दबा के रखना है बीपी कफ को। देखिए, यहाँ पर हम इसको रखेंगे ज्वाइंट के बगल में, देखिए यहाँ पर लूज करेंगे, यहाँ से इस की को लूज इतना करना है कि वहां से जो पारा है, ये पारा धीरे 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 नीचे आए, और जहां पर आपको पहला साउंड सुनाई पड़ेगा वही आपका होगा सिस्टोलिक, और जहां पर आवाज सुनाई करना बंद हो जाएगा वो होगा डायस्टोलिक। तो हम स्टेथोस्कोप लगा करके, और यहाँ हम चेक करते हैं,
देखिए यहाँ पे इसको लूज करेंगे तो क्या होगा, पारा इसका डाउन होगा। वन ट्वेंटी एकदम एग्जैक्ट वहां पर देखिए पालपेशन भी कर रहा है और वहीं पर इसका बीपी भी साउंड सुनाई पड़ रहा है। ये हमारा हो गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 120 से स्टार्ट हुआ, मेरे कानों में भी ढक ढक की आवाज सुनाई पड़ रहा है। देखिए यहां पर आकर के बंद हो गया, यानी कि ये 60 से 2 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट ऊपर यानी कि ये 66 पर जाकर के बंद हुआ, यानी इसका बीपी कितना हो गया 120/66। इसको अब ऑफ कर देना है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस। यहां इतना होने के बाद फिर यहां से क्या करेंगे, इसको खोल देंगे आराम से और इसको हटा देंगे। तो इनका बीपी हो गया 120/66 mmHg। तो ये लगभग परफेक्ट बीपी है और इस तरह से बीपी को माप सकते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होता है, जैसे कि बीपी को हमें कोई रनिंग करके आता हो या कोई चल के आता हो या कोई हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर चढ़ाई करके आता हो तो बीपी को नहीं मापते हैं, क्योंकि उस समय ऑलरेडी इसका बीपी बढ़ा होता है। अगर कोई आदमी सो के उठा हो तुरंत उसका बीपी नहीं मापते हैं, क्योंकि उसका बीपी सोने के दौरान उसका लो होता है। बीपी कभी भी खड़ा करके नहीं मापते हैं, क्योंकि खड़ा करने के बाद में क्या होता है, आदमी का बीपी ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि बॉडी का सारा फंक्शन ऑन होता है, इसलिए हम लोग बीपी को खड़ा करके नहीं मापेंगे। तो ये सब कुछ कुछ प्रोटोकॉल है, हम समझ में आया होगा आपको मेरी जानकारी। आशा करता हूँ कि आप और भी वीडियो को देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर देंगे।